हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बिगिनर्स मेकअप किट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बात करूंगी मॉइस्चराइज़र के बारे में। तो मेरे पास यहाँ पर है निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र। ये ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइज़र है और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है, एक लाइट मॉइस्चराइज़र है। इसके बाद माय फेवरेट है ऑरिफ्लेम एसेंशियल का कोल्ड क्रीम। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, लेकिन जिनका स्किन ज़्यादा ड्राई है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। एंड एंड में जो मेरे पास ऑप्शन है वो है लैक्टोकैलामाइन स्किन बैलेंस डेली नरिशिंग लोशन। ये एक ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइज़र है और काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइमर के बारे में। प्राइमर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए एलोवेरा जेल। ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। मैं यहाँ पर वाव स्किन साइंस का एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है। इसके बाद एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर मेरे पास है, वो है ब्लू हेवन। ये भी एक परफेक्ट मेकअप बेस है। तो जो बिगिनर्स एक प्राइमर ढूंढ रहे हैं अच्छा सिलिकॉन बेस्ड, वो इसे यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है, विद इन 300 है। इसके बाद हम बात करेंगे बेस मेकअप के बारे में। एक डेली यूज़ के लिए लैक्मी 925 इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल मेकअप एंड इट इज़ अ सीसी क्रीम। इसमें मेरा शेड है हनी और इसके साथ साथ इसमें एसपीएफ भी है, तो ये डे टाइम के लिए भी बहुत अच्छा एक बेस मेकअप का काम कर देता है। और इसके बाद मैं बात करूँगी ओलिविया पैनकेक के बारे में। ये आपको हेवी मेकअप के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद हम बात करेंगे मेकअप को सेट करने के लिए जो हमारे पास पाउडर की ज़रूरत होता है, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है लैक्मी रोज़ पाउडर। इसमें भी सनस्क्रीन है और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। इसमें मेरा शेड है वॉर्म पिंक। ये फॉर वेटिश टू डस्की स्किन के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करता है और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसके बाद और एक मेरा फेवरेट है, वो है कलर बॉक्स फेस पाउडर। ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है। ये आई थिंक 199 रुपीज़ में मुझे मिला है। ये भी बहुत अच्छा है बिगिनर्स के लिए, काफ़ी बजट फ्रेंडली और काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इसके बाद है मेबलिन न्यूयॉर्क। ये भी काफ़ी अच्छा है, आप चाहे तो इसमें कोई भी आप चुन सकते हैं। इसके बाद आईब्रो सेट करने के लिए मैं कहूँगी आई शेडो पैलेट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये है एक म्यूज़िक फ्लावर का जेल लाइनर। ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है। ये एक लॉन्ग वेयर जेल आईलाइनर है। इससे भी आप लोग अपने आईब्रो को सेट कर सकते हैं और इसमें दो शेड है, एक ब्राउन और ब्लैक। आप चाहे तो कोई भी आपके आईब्रो के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लाइनर के बारे में। लाइनर के लिए फिर से ये म्यूज़िक फ्लावर एक जेल लाइनर काफ़ी अच्छा वर्क करता है, लेकिन मेरे लिए मेरा फेवरेट लाइनर है लैक्मी इंस्टा लाइनर। ये एक वाटर रेसिस्टेंट लाइनर है और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है, बिगिनर्स के लिए बहुत बहुत अच्छा वर्क करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आई शेडो के बारे में। तो बिगिनर्स के लिए ये दोनों ही बहुत बजट फ्रेंडली आई शेडो है और काफ़ी पिगमेंटेड है। सबसे पहले है वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉन न्यूड अवेकन। तो ये मेरे फेवरेट है। ये बहुत ही पिगमेंटेड है और यहाँ पर डे टाइम के लिए और नाइट टाइम के लिए गाइडेंस भी दिया गया है कि आप कौन से शेड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी पसंद है और इसमें दोनों हाईलाइट शेड भी है, जिससे आप हाईलाइटर का भी काम कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मेरी जो फेवरेट है वो है स्विस ब्यूटी अल्टीमेट शेडो पैलेट। ये एक हुडा ब्यूटी का एक ड्यूप पैलेट है। तो ये इसमें मेरा शेड है 01। ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पिगमेंटेड है, तो आप इजीली इसे बाय कर सकते हैं। इसके बाद लिक्विड आई शेडो में स्विस ब्यूटी का फिर से मेरे पास ऑप्शन है। ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं बिगिनर्स जो हेवी मेकअप करना चाहते हैं, पार्टी के लिए मेकअप करना चाहते हैं, उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। तो जस्ट गो फॉर इट। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लश के बारे में। ब्लश के लिए काफ़ी कम पैसे आप लोग इन्वेस्ट करके एक अच्छा ब्लश पा सकते हैं, वो है ये वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉन ब्लश। ये बहुत सारे यूट्यूबर यूज़ करते हैं। साथ ही साथ आप ये स्विस ब्यूटी का जो पैलेट है उसमें भी आप लोग ब्लश शेड आपको मिल जाएगा। तो लिप लाइनर के लिए मेरे पास जो है वो है ये सुपर मैट लिप लाइनर। इसमें आप लोगों को 12 लिप लाइनर का सेट आप लोगों को मिल जाएगा। मैं इसका डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सारे जो शेड है वो मैं आप लोगों के साथ स्वच करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, मुझे अंडर 200 मिला था शायद, तो जस्ट आप लोग इसे भी एक बार देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लिपस्टिक के बारे में। लिपस्टिक के लिए मेरे पास है डेली वेयर के लिए ये एलेटिन का लिपस्टिक है, ये काफ़ी अफोर्डेबल है। ये ब्लू हेवन का लिपस्टिक है, ये शायद 100 रुपीज़ में मुझे मिला था। और ये है मिस क्लियर का 2 शेड, इसका एक डिटेल रिव्यू मैंने शेयर किया है, वीडियो आई बटन में है, अगर आप लोग चाहते हैं तो उसे चेक कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है, मेरा फेवरेट है। इसके बाद हम बात करेंगे एंड में सेटिंग स्प्रे के बारे में। ये मेरे पास एक ही सेटिंग स्प्रे है और मेरे ये फेवरेट सेटिंग स्प्रे है, ये ADS का सेटिंग स्प्रे है। ये 399 रुपीज़ है, लेकिन आपको इजीली कोई भी ऑनलाइन साइट पर इसे मिल जाएगा काफ़ी कम पैसे में, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। और अगर बिगिनर्स अगर चाहते हैं तो रोज़ वाटर के साथ एलोवेरा जेल को मिक्स करके भी आप लोग सेटिंग स्प्रे का काम कर सकते हैं। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई